दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा एक्चुअली आईवीएफ कराने के लिए कितने स्पर्म काउंट होना चाहिए। कुछ डॉक्टर कुछ हॉस्पिटल आपको गलत भी बताता है, वो भी मैं बताऊंगा। और साथों साथ ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपका स्पर्म काउंट एकदम कम आया है यानी कि ओलिगोस्पर्मिया हो गया है, या तो फिर अगर आपका स्पर्म काउंट जीरो आ गया है यानी कि एजोस्पर्मिया हो गया है तो भी आपका आईवीएफ पॉसिबल है। और आईवीएफ कराने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सा है, कौन सा जगह में जाने के बाद आपको सक्सेस रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, वो भी मैं साथों साथ बताऊंगा। इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है आज की इस वीडियो कंप्लीटली वॉच करके जरूर जाना, कहीं भी स्किप मत करना, कंप्लीटली नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर देना। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आज का जो वीडियो है बहुत छोटा सा होने वाला है, छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए आईवीएफ का मतलब है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां आपका थोड़ा सा स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपका वाइफ का ओवरी से कुछ एक को कलेक्ट किया जाता है, दोनों को मिक्सअप किया जाता है, मिक्स करने के बाद एम्ब्रो तैयार किया जाता है, उस एम्ब्रो को लेके सही टाइम पे आपका वाइफ का जो यूट्रस है यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बेबी इम्प्लांट होता है, धीरे धीरे जायगोट बनता है और आपको एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आईवीएफ का कुछ स्टेप का प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो देखिए कुछ डॉक्टर और कुछ हॉस्पिटल आपको गलत चीज बताता है कि आईवीएफ का ये चाहिए, जो काउंट थोड़ा सा बहुत ज्यादा चाहिए, ये गलत चीज है। एक्चुअली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम हो गया है यानी कि ओलिगोस्पर्मिया हो गया है तो आईवीएफ आपका पॉसिबल है, बहुत अच्छे तरीके से आपका आईवीएफ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपका स्पर्म काउंट जीरो है यानी कि एजोस्पर्मिया हो गया है तो भी आईवीएफ पॉसिबल है। देखिए सबसे पहले तो एजोस्पर्मिया के लिए आपको ट्रीटमेंट का जरूरत होता है यानी कि स्पर्म को बढ़ाने के लिए, तो देखिए कुछ मेडिकेशन होता है, कुछ हार्मोनल थेरेपी होता है, उसके अलावा अगर आपको सर्जरी करना है तो सर्जरी भी करना पड़ सकता है, उसके अलावा आप माइक्रोटेसी भी करा सकते हैं, माइक्रोटेसी के द्वारा आपका स्पर्म को निकल के आईवीएफ कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप घर बैठे सोच रहे हैं कि आपका स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है या तो फिर जीरो स्पर्म काउंट है, आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, तो आपको दिक्कत करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अभी इस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया है कि अगर आपका नील स्पर्म भी आया है तो भी आईवीएफ पॉसिबल है, आपका ही स्पर्म से आपको आपका ही बेबी मिलेगा, कोई भी दिक्कत करने का जरूरत नहीं है। तो आईवीएफ कराने के लिए आपको एक सक्सेसफुल जगह में जाना बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जैसे कि देखिए जब आप नजदीकी किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ हॉस्पिटल कुछ डॉक्टर आपको गलत चीज बताता है, आईवीएफ का नॉर्मल रेंज बहुत ज्यादा बताता है, लेकिन जब आप शहर में बड़े बड़े क्लिनिक में जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे तो यह आपको इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट को चूज करना है यानी कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाना है, सही जगह में जाना है जहां पर आईवीएफ का सक्सेस रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए आईवीएफ का जो प्रोसेस है थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, फिर भी देखिए अगर आपका जो आईवीएफ कराने के लिए आपको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के द्वारा आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आपको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डॉक्टर को दिखाना है और इनफर्टिलिटी क्लिनिक को आपको चूज करना है, जिसकी वजह से आपका आपका ही स्पर्म से आपको ही खुद का बेबी देखने को मिलेगा और आपका टेंशन दूर हो जाएगा। तो देखिए मेन फंडा है कि आईवीएफ कराने के लिए एक्चुअली कितने स्पर्म काउंट होना चाहिए। देखिए डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप किसी भी जगह में सर्च कर लोगे, इंटरनेट वगैरह में सर्च कर लोगे तो वहां पर बताया गया है आईवीएफ कराने के लिए जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए ओनली 5 से 10 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन होना चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा कम स्पर्म काउंट आ गया है तो आपका आईवीएफ पॉसिबल है यानी कि ओनली 5 मिलियन से 10 मिलियन आपका स्पर्म काउंट है तो आपका आईवीएफ पॉसिबल है, कोई भी दिक्कत करने का जरूरत नहीं है, समझ गए। तो काफी सारा जगह में गलत चीज बताता है कि 20 मिलियन चाहिए 30 मिलियन चाहिए, एक गलत चीज है। आईवीएफ कराने के लिए सिर्फ 5 से लेकर 10 मिलियन आपका स्पर्म काउंट होना चाहिए। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, जो समझाने का मैंने कोशिश की है उम्मीद है कि आप लोगों का समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज फिर भी अगर कोई भी कॉन्फ्यूजन हो रहा है, आप मुझे लाइव चैट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।